हेलो दोस्तों उम्मीद है आप अच्छे से होंगे दिस इज़ द राइट टाइम टू मेक सम मनी फ्रॉम क्रिप्टो ट्रेडिंग आई एम श्योर द स्ट्रेटजी विच आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इन दिस वीडियो विल हेल्प यू टू मेक ह्यूज प्रॉफिट टाइम आ चुका है कि अब प्रॉफिट कमाया जाए बिटकॉइन की प्राइस अपनी करंट पोजीशन चेंज करने के लिए बिल्कुल रेडी है किसी भी टाइम पर बी में ह्यूज फ्लक्चुएशन आ सकती है तो हमने इस सिचुएशन से फ़ायदा उठाना है कॉइन बेस एस बाइनेंस आपस में लड़ते रहें आपने प्रॉफिट कमाकर पतली गली से निकल जाना है राइट अच्छा यहाँ पे कुछ न्यूज़ चल रही हैं मार्केट में फिर उसके बाद स्ट्रेटजी की तरफ आते हैं विन विन स्ट्रेटजी है उससे हमें चाहे मार्केट क्रैश हो चाहे पंप हो डंप हो कुछ भी हो हमने हमें उस स्ट्रेटजी को यूज़ करते हुए प्रॉफिट कमाना है हमें दोनों सूरतों में चाहे मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए हमें प्रॉफिट होगा राइट अच्छा यहाँ पर कुछ बैकग्राउंड में आपको थर्टी सेकेंड के अंदर अंदर बता देता हूँ कि इस टाइम पर मार्केट में क्या चल रहा है आपको भी पता है बी का जो फर्ड है मार्केट में उसने एक खौफ वाली जो फ़िज़ा है वो काम कर रखी है कि पता नहीं अगले लम्हे क्या होगा बाए नए सेफ है भी कि नहीं है बी यू या बी एस सी चेन के ऊपर जो कोइन रखे हैं वो सेफ़ हैं कि नहीं है ठीक है मार्केट इस टाइम पर थोड़ी सी अनसर्टेनिटी वाली सिचुएशन है मार्केट में उसके अलावा माइनिंग डिफिकल्टी भी काफ़ी आ रही है बिटकॉइन के हवाले से हैश रेट काफ़ी ज़्यादा ऊपर जा रहा है जिसकी वजह से मार्केट में काफ़ी फ्लक्चुएशन देखने को मिलती है जब भी ऐसा होता है तो बी एस सी चेन पर कल थोड़ा सा अटैक हुआ था हैकिंग अटैक जो कि इतना बड़ा नहीं था इसलिए ज़्यादातर लोगों को नहीं पता उसके बारे में तो फ़िलहाल ये ख़तरा मार्केट में है बाइनेंस चेन के ऊपर ख़तरा है कोइन बेस ने डीलिस्ट कर दिया बी यू एस टी को और उसके जो ट्रेडिंग पेयर्स है बी यू एस टी को स्टेबल कोइन है जो कि काफ़ी एक बड़ी न्यूज़ है और कोइन बेस जो है वो एक यू एस बेस एक्सचेंज है एस ई सी बी यू एस बेस है तो ऑफ़कोर्स एक समझ लें कि एशिया और यू के दरमियान में एक जंग छिड़ी हुई है राइट इसके अलावा बी यू की जो पोजीशन है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं नंबर टेन पे है बाइनेंस यू कभी ये नंबर फोर पे हुआ करता था फिर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन पे अभी हो रहा है इसका जो टोटल मार्केट कैप है वो भी काफ़ी ज़्यादा नीचे गिर रहा है राइट तो एक्सचेंजेस भी इसको डीलिस्ट कर रही हैं तो हम कह सकते हैं कि ज़्यादातर चांसेस हो रहे हैं कि बिटकॉइन की जो प्राइस है वो नीचे आ सकती है तो अब इस सिचुएशन पर करना क्या है ये देखें ये जो चार्ट है ना इस टाइम पे जो करंट प्राइस है बिटकॉइन की वो है 23,269 थ्री डॉलर्स जब भी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप सबसे पहले क्या करें अगर आपने मेरी जो लास्ट वाली वीडियो मैंने बनाई थी ये उसके ऊपर मैंने अनालिस यही किया था अब इससे आगे हम एनालिसिस करेंगे और साथ में आपको गेम प्लान भी बता देता हूँ कि मार्केट अगर क्रैश होती है पंप होती है डंप होती है तो दोनों सिचुएशन में प्रॉफिट कैसे कमाना है ठीक है तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है वो लाजमी देखें उसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ आपको सिचुएशन पता चल जाएगी कि कहाँ तक बिटकॉइन की प्राइस नीचे फॉल कर सकती है लेकिन अभी तक तो यही लग रहा है कि बिटकॉइन की जो प्राइस है वो ट्वेंटी डॉलर्स तक जा सकती है ठीक है तो वो एनालिसिस हम ऑलरेडी कर चुके हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी मैं आपको अपडेट दे देता रहता हूँ ट्विटर के ऊपर मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव हूँ आजकल इन सब के ज्वाइनिंग लिंक्स आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन मैसेज में मिल जाएंगे तो आप ज्वाइन कर सकते हैं वहाँ पर ठीक है अच्छा यहाँ पर अभी करना क्या है देखिए ज़्यादातर नेगेटिव न्यूज़ है ना मार्केट में पॉजिटिव न्यूज़ तो कोई नहीं है बी यू एस SEC बी एस सी बेस एस सी सी है ना ये सारी नेगेटिव न्यूज आ रही हैं मार्केट में तो फंड्स मार्केट में इतने ज़्यादा नहीं है टोटल मार्केट कैप जो वन वीक पहले था आज भी उतना ही है मतलब कि फ्रेश इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही है जब तक गुड न्यूज़ नहीं आती तब तक ख़तरा यही है कि बी टी सी की जो प्राइस है वो आ सकते इक्कीस हज़ार पाँच सौ इससे नीचे अगर जाती है तो मैं फोरी टेलीग्राम चैनल के ऊपर अगर मेरा वीडियो बनाने का टाइम ना हुआ तो मैं आपको बता दूंगा कि नेक्स्ट गेम प्लान क्या क्या होगा इस टाइम पर आपने यूज़ करनी है सेवनटी थर्टी स्ट्रेटेजी जो कि मेरे पुराने मेम्बर्स हैं वन ईयर से ज़्यादा मुझे वो फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा उन्होंने काफ़ी दफ़ा इसको किया है इम्प्लीमेंट की ए स्ट्रैटेजी को और मार्केट चाहे ऊपर गई चाहे नीचे गई दोनों ही सिचुएशन में उन्होंने काफ़ी ह्यूज रिटर्न कमाया है तो अभी ये मेरा काम है आप लोगों को बताना है कि कब कब वो स्ट्रेटजी यूज़ करनी मैं आपको बता देता हूँ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं कि करना क्या है कि जी मुझे तो पता नहीं अब मैं कैसे करूँगा आप क्रिप्टोनोट्स फैमिली मेम्बर हो यार कम ऑन आपको यहाँ पर सारी चीज़ें इंताई समझने के आसान अल्फाज में आसान ईजी वर्डिंग में आपको बता दी जाती हैं कोई ये ट्रेडिंग वगैरह का, का काम यह मुश्किल नहीं है सिर्फ हम समझना नहीं चाहते समझ के करेंगे तो आप अपने 500 डॉलर को 1 मिलियन डॉलर में कन्वर्ट कर पाएंगे मैंने कल एक ट्वीट भी की थी उसके ऊपर 544 लोगों ने रिप्लाई किया था कि उनका टारगेट क्या है 2025 तक मैंने सारे कमेंट्स ऑलमोस्ट रीड किए हैं नाइन्टी परसेंट जो कमेंट्स हैं जो फ्रेश हैं उनको मैं दोबारा रीड करूंगा सब सब रियलिस्टिक गोल लेके बैठे हुए हैं कोई फाइव मिलियन डॉलर कमाना चाह रहा है कोई वन मिलियन डॉलर कमाना चाह रहा है जो कोई पचास हज़ार डॉलर का टारगेट है साथ साथ में उन्होंने अपनी अभी करंट सिचुएशन और करंट पोजीशन बताइए आप मुझे इस वीडियो के कमेंट्स में भी बता सकते हैं बल्कि बताएं मुझे ताकि दूसरे लोगों को भी मोटिवेशन भी मिले और दूसरे भी अपना टारगेट फिट करें क्योंकि हमने क्रिप्टोन फैमिली से बहुत बड़ा प्रॉफिट कमाना है मैक्सिमम मिलियन ईयर हमने प्रोड्यूस करने टू तक डॉलर्स के टर्म में आप अपने टारगेट्स मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा ठीक है जी इस टाइम पे जो करंट सिचुएशन uh, है उस लिहाज से हमने सेवेंटी थर्टी स्ट्रेटजी यूज़ करनी करना क्या है आपको पता है एक या दो मंथ से मैंने आपको कहा हुआ है कि आपने एटी एटी परसेंट जो अपने फंड्स हैं चले किसी के पास एटी नहीं है फिफ्टी परसेंट फ़ंडस होंगे ट्वेंटी परसेंट फंड्स होंगे जो स्पेयर हैं ठीक है यू फॉर्म में पड़े हुए हैं या अदर स्टेबल कॉइन के फॉर्म में पड़े हुए हैं उसमें आपने करना क्या है कि आपने सेवेंटी उसको ले रहने देना है यू uh, में ही ठीक है थर्टी परसेंट के लिए आपने बिटकॉइन बाई करने करंट प्राइस पे ठीक है तो फ़र्ज़ करें आपके पास हंड्रेड डॉलर स्पेयर पड़ा हुआ है सेवेंटी डॉलर के आपने इस टाइम पर उसको एज इट इज़ यू में रहने देना है थर्टी परसेंट इसको बी में रहने देना है अभी ये जो सारी न्यूज़ मैंने आपको बताई है ना बी यू एस टी का फर्ड है माइनिंग डिफिकल्टी है हैश रेट हाई हो चुका है बी एस सी चेन को खतरा है कोइन बेस्ट लिस्ट बी यू एस टी कोइन है ना एस सी सी ने जो भी हमला किया है बी यू एस टी के ऊपर सारी नेगेटिव न्यूज़ है ना तो ज़्यादातर क्या सिचुएशन लग रही है फंडामेंटल अनलिसिस के हिसाब से कि मार्केट नीचे गिर सकती है ठीक है अब करना क्या होगा आपको फिर वेट करना है इक्कीस हज़ार पाँच डॉलर्स का ठीक है इक्कीस हज़ार पाँच डॉलर्स तक का मार्केट को यहाँ तक गिरने दें जैसे मार्केट यहाँ पे गिरेगी तो जो आपके पास 70 परसेंट यू पड़े होंगे तब आपने जाके वहाँ से बी टी सी बाई करने, ठीक है बिटकॉइन बाई करने उससे क्या होगा आपके बिटकॉइन सतोशी आपको ज़्यादा मिलेंगे आप अपने पोर्टफोलियो में ऊपर लिखा है में है, में है। होता है ना सतोशी में इतनी वैल्यू है नीचे डॉलर्स में इतनी वैल्यू है समटाइम्स सतोशी बढ़ाना प्रॉफिटेबल होता है समटाइम्स डॉलर्स बढ़ाना प्रॉफिटेबल होता होता है जब मार्केट क्रैश हो रही होती है जब सतोषी बढ़ाते हैं जब मार्केट पंप हो रही होती है तब डॉलर्स बढ़ाते हैं ठीक है तो इक्कीस हज़ार पाँच सौ पे जाके जो सत्तर परसेंट आपके फंड्स होंगे आपने अपने उनको कन्वर्ट कर लेना है बिटकॉइन में आपके पास बिटकॉइन सतोशी ज़्यादा आ जाएंगे राइट लेकिन अगर जस्ट केस यहाँ से बिटकॉइन प्राइस पंप हो जाती है तो क्या होगा तो वैसे ही पड़े हैं ना आपके जैसे एज़ इट इज पड़े हुए हैं तो आपने उन 30 परसेंट जो फंड्स जो आपके बिटकॉइन में होंगे उसने आ, आ, आपने जब ये 24,500 पे जाएगा या 25,500 पे अगर बिटकॉइन पंप कर जाता है तो उन थर्टी परसेंट बीटकॉइन को आपने डॉलर्स में कन्वर्ट करके डॉलर्स बढ़ा लेने अपने ठीक है मैं रिपीट कर देता हूँ सेवेंटी थर्टी स्ट्रेटजी का अगर आपको नहीं पता है, तो उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ, मैं डाल देता हूँ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा कि सेवेंटी थर्टी स्ट्रेटजी होती क्या है आप ज़्यादा डिटेल में भी जान सकते हैं उस वीडियो को देख के लेकिन यहाँ पर भी मैंने आपको पूरा बता दिया कि करना क्या है थोड़ा सा मैं रिकैप दे देता हूँ अगर बिटकॉइन की प्राइस क्रैश हो जाती है आपने सबसे पहले क्या करना है अपने फंड्स को 70 परसेंट रहने देना है यू में 30 परसेंट की अभी आप बिटकॉइन बाई कर लें मार्केट क्रैश हो जाती है तो इक्कीस हज़ार पाँच सौ पे या एकदम से इससे भी बड़ी कैंडल बन जाती है तो बीस हज़ार के ऊपर ऊपर आप इसको जो जो यू एस डी होंगे सत्तर परसेंट उसके बी टी सी बाई कर लेंगे आपको बी टी सी से तोषी ज़्यादा मिल जाएंगे लेकिन जस्ट इन केस अगर कोई गुड न्यूज़ आ जाती है वक्ती तौर पर पंप लग जाए अगर तो पच्चीस हज़ार दो सौ पे चली जाती है या चौबीस हज़ार पाँच सौ के ऊपर मार्केट चली जाती है तो आपके पास जो बिटकॉइन हो गए थर्टी परसेंट जो आपने अभी बाई किया होगा उसको आपने डॉलर डॉलर में में कन्वर्ट कर लेना आपको ज़्यादा मिल जाएंगे। दोनों सूरतों मार्केट चाहे पंप हो या डंप हो आप प्रॉफिट कमा पाएंगे ठीक है बहुत आसान है मुश्किल वाली बात नहीं है कल वाली वीडियो लाजमी देखें उसमें मैंने बड़ी डिटेल से बात की हुई है टेक्निकल टेक्निकली भी मैंने बात की की है और आज मैंने फंडामेंटल फंडामेंटलिस को ज्यादा कवर किया है तो दोनों हुई ही एनालिसिस को हमने साथ लेके चलना है और थर्ड है सिचुएशन एनालिसिस इमोशनल एनालिसिस मार्केट में लोग डरे हुए हैं तो जब मार्केट में डर का माहौल आता है तो मार्केट में पैनिक सिचुएशन आराइज होती है जब पैनिक सिचुएशन आराइज होती है तो सेलिंग प्रेशर आता है सेलिंग प्रेशर आता है तो प्राइसेस फॉल करते हैं जब प्राइसेस फॉल करेंगी तो हमने उससे फ़ायदा उठाना है अगर मार्केट पम्प करती है तो हमने उससे भी फायदा उठाना है वीडियो की समझ नहीं आई है, है तो दो या से तीन दफ़ा आप इसको देख लें आपके फ़ायदे के लिए ये बनाई जाती है मैं तो ऐसा ही कर करने वाला हूँ आपको अगर ये एडवाइस पसंद आई है आपको अगर लगता है कि इससे मैं प्रॉफिट कमा सकता हूँ इफ़ यू आर सेटिस्फाई देन यू शुड एक्ट अपॉन दिस एडवाइस अदरवाइज़ आप इसको इग्नोर कर सकते हैं आपके प्रॉफिट या लॉस की यहाँ पे कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेगा मेरा काम है आप लोगों को राइट डायरेक्शन दिखाना प्रॉफिट आपका ही होगा हंड्रेड परसेंट मुझे आपके प्रॉफिट से एक पैन भी नहीं चाहिए अगर आपको लगता है कि आपको वन परसेंट भी नॉलेज मिला तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा अपना ख्याल रखिएगा हैप्पी ट्रेडिंग टेक केयर